आइए हम आपको दिखाते हैं कि टनल 13 किस तरीके की है। हम अपने ड्राइवर से कहेंगे कि वो गाड़ी चलाए और धीरे धीरे करके इस टनल की तमाम चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे। टनल 13 इसकी लंबाई की बात करें तो 9 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी ये टनल है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नार्दर्न रेलवे के अधिकारी भी हैं। अभिषेक जी आइए उन्हीं से बात भी करेंगे और तमाम जानकारियाँ लेंगे। तो टनल 13 को यहाँ पर आप देख रहे हैं और ये टनल दुग्गा स्टेशन से आगे ले जाती है रेलवे ट्रैक को। अभिषेक जी अगर हम इस रेलवे ट्रैक की बात करें और ख़ास तौर पर इस टनल की बात करें तो कितना काम जो है पूरा हुआ है अभी तक? सर ये हमारी टनल T13 जो है ये हमारी दुग्गा स्टेशन के एक छोर से स्टार्ट होती है और बसिन दादर जो हमारा अगला स्टेशन है उस छोर तक ये टनल है जो कि करीब करीब 9.5 किलोमीटर लंबी टनल है। इसमें हमारी ट्विन ट्यूब टनल है, एक हमारी मेन टनल है, दूसरी हमारी एस्केप टनल है और जो कि हमारे एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि 3 किलोमीटर से ऊपर टनल पे हमको एक एस्केप टनल देनी है जिसका उपयोग हम एज ए सेफ्टी के उसमें भी कर सकते हैं और जो हमको कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी हेल्प करती है कि फास्टर कंस्ट्रक्शन इसमें हो जाए। ये टनल में हमने एक एडिट भी बनाया था जिससे हम कंस्ट्रक्शन को फास्ट कर सकें। एक हमने 330 मीटर का एडिट बनाया था जो कि करीब करीब 4.5 किलोमीटर बाद से हमने स्टार्ट किया था। आज की तारीख में इस टनल में जो माइनिंग का काम है वो करीब करीब आपका 600 मीटर के आसपास मेन टनल में बचा हुआ है और 470 मीटर आपका एस्केप टनल में माइनिंग बचा हुआ है जिसको कि हम अगले 3-4 महीने में इसको पूरा कर लेंगे। सर अगर हम दुग्गा स्टेशन की बात करें तो दुग्गा की तरफ से जो टनलिंग चल रही है वो KRCL कर रही है और दूसरी तरफ से यानी KRCL के ही हाथ में है या किसी और के हाथ में है? ये T13 पूरा का पूरा KRCL कर रही है, इसमें और कोई नहीं है, इसमें सिर्फ KRCL ही कर रही है। तो इसका एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है? हाँ इसमें बस एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है जिसकी उम्मीद है कि हम अगले 3-4 महीने में इसको थ्रू कर लेंगे। 3-4 महीने में ये टनल पूरी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें पानी का बहाव है और ये पानी इसलिए है क्योंकि हिमालय पर्वत का ये इलाका है और इसकी रॉक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और इनमें जो हिमालय पर ऊपर बारिश होती है वहाँ से ये पानी नीचे तक आता है, यानी रॉक फॉर्मेशन इस तरीके की है कि उसमें पानी की अच्छी खासी मात्रा रहती है। तो कहीं ना कहीं जो टनल वर्क होता है उसके लिए ज़रूरी है कि पानी को रास्ता दिया जाए। तो पानी को रास्ता देने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज बनाई जाती है और अभी की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं और यहाँ पर आगे काम चल रहा है। 9.5 किलोमीटर तकरीबन 9.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है और इसके अंदर आने वाले दिनों में ब्रॉडगेज लाइन डाली जाएगी। ब्रॉडगेज लाइन डाली जाएगी उसके लिए भी प्रिपरेशन चल रही है, पटरियाँ आ चुकी हैं, तमाम मटेरियल यहाँ पर पहुँच चुका है और इंजीनियर्स पूरी प्लानिंग कर चुके हैं कि इसको जैसे ही पूरा हो उसके बाद आगे का काम शुरू किया जाए क्योंकि टारगेट तय कर दिए गए हैं और लगातार काम में तेज़ी दिखाई जा रही है। और आगे एक बार फिर से देख सकते हैं कि आगे एक गाड़ी जा रही है, एक पायलट गाड़ी जा रही है और जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हर जगह पर पानी है क्योंकि इस टनल के अंदर की बात करेंगे तो यहाँ अभी काम चल रहा है, लिहाजा यहाँ पर एक तरफ लाइट है दूसरी तरफ लाइट नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। और अगर हम पूरे स्ट्रेच की बात करें तो 111 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है बनिहाल से कटरा के बीच में जिसमें जगह जगह काम चल रहा है। कटरा के पास में हम कह सकते हैं कि एक जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं पूरा है और उसके बाद जो पहली टनल पड़ती है उसी में दिक्कत आ रही है और वो दिक्कत इस तरीके की है जिसका सल्यूशन जो है ढूंढा जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर जो प्रोग्रेस है एक छोटा सा हिस्सा है जिसको पार किया जाना है और उसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। तो एक बड़ा बॉटल नेक तो कटरा के तुरंत बाद है और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे तो अंजी ब्रिज है, अंजी ब्रिज के बाद रियासी स्टेशन है, रियासी पुल है, रियासी के बाद की बात करें तो चिनाब ब्रिज है, चिनाब ब्रिज के बाद आगे बढ़ेंगे तो दुग्गा स्टेशन है, दुग्गा स्टेशन के बाद ये टनल 13 है। तो टनल 13 को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, टनल 13 न्यूज स्टेशन।